नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट करनाल से। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों में खून की कमी के बारे में, एनीमिया इन चिल्ड्रन। उसके मुख्य कारण क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, कैसे हमें उसका उपचार करना है और कैसे हम बचा सकते हैं बच्चों को खून की कमी से। तो सबसे पहले हमें बर्डन देखना है देश में कि कितना कॉमन है ये बीमारी। भारत के स्पेशली जो विकसित, जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, अफ्रीका है, ऐसे कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में 70 से 80% तक बच्चों को एनीमिया पाया जाता है। तो खून की कमी एक बड़ी ही कॉमन डिसीज है, काफ़ी सारे बच्चों में खून की कमी होती है। जब भी स्कूल हेल्थ फॉर्म्स आते हैं तो उनको ध्यान से उनको फॉलो करें, वो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए होते हैं, तो उसको एक टेंशन ना समझें। क्योंकि बच्चे की अगर समय समय पर स्क्रीनिंग होती रहे, समय समय पर चेकिंग होती रहे कि इसमें खून की कमी तो नहीं है, तो उसको वो दिक्कत अपने फिर उसके कॉम्प्लिकेशन ही आएंगे और शुरू में ही उसका सही उचित निदान और उचित उपचार हो सकता है। तो इसके बर्डन को समझें आप जरूर ध्यान से। तो क्योंकि विकासशील देशों में एक तो खून की कमी ये बीमारी हो सकती है, और एक खून की कमी किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकती है कि पेट में कीड़े पनप रहे हैं बच्चे के, काफी काफी महीनों से, काफी सालों से पेट में कीड़े हैं और उससे खून की कमी हो रही है। बच्चे को यूजली पेरेंट्स विटामिन की दवाई देते रहते हैं कि मेडिकल स्टोर से गए ले आए, ताकत की दवाई दे दी, विटामिन, उससे फिर दिक्कत होती है, उससे सही उसका उपचार नहीं हो पाता। इसी प्रकार से कोई किडनी की डिसीज है, कोई लीवर की डिसीज है, उसका भी एक लक्षण एनीमिया हो सकता है। तो अब इसके कारणों पर हम ध्यान करते हैं कि खून की कमी के कारण क्या होते हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खून की कमी का कारण न्यूट्रिशनल एनीमिया है, पोषक तत्वों का अभाव भोजन में, वो खून की कमी का सबसे बड़ा कारण है। उसमें भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो लोहे की कणों की कमी है, तो आयरन की कमी ये सबसे बड़ा 90% कारण ये है। उसके अलावा विटामिन बी12 की कमी से भी एनीमिया हो सकता है, फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया हो सकता है, ये तो न्यूट्रिशनल एनीमिया के कारण है। उसके अलावा बाकी बच्चों में इम्यूनोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, या बोन मैरो एप्लेजिया भी हो सकता है, किसी बच्चे में थैलेसीमिया, किसी में सिकल सेल एनीमिया, ये भी खून की कमी के कारण है। या अचानक खून बह जाए, जैसे किसी कारण से खून की कमी थी और ऊपर से मेंस्ट्रुअल लॉस भी हो गया टीनेज गर्ल्स में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में जो ब्लीडिंग होती है उससे और खून की कमी फिर एकदम प्रेसिपिटेट हो जाती है और फिर दिक्कत होती है। तो किसी किसी बच्चों में अंदर छुपे हुए इन्फेक्शन, लंबे समय से टीबी की बीमारी चल रही है तो उसे खून की कमी हो सकती है। या फिर मलेरिया जब छुपा रहता है, हार्बर करता रहता है बच्चा मलेरिया के जो ट्रोफोजोइट्स हैं, मीरोजोइट्स हैं, तो वो धीरे धीरे करके ब्लड को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, ब्लड को उसको डैमेज करते रहते हैं, उससे भी खून की कमी होती है। तो ये भी खून की कमी का कारण है। कुछ बच्चे जिनको माँ का दूध नहीं मिल पाता और ऊपर का दूध देना पड़ता है, बॉटल फीडिंग देनी पड़ती है, उसमें भी फिर खून की कमी एक कारण बन जाती है, उसका उसका एक कॉम्प्लिकेशन रहता है। इसी प्रकार से जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हुए, समय से पहले पैदा हो गए, उसमें भी खून की कमी कई बार होती है, और कई बच्चों में जेनेटिकली भी खून की कमी हो सकती है। तो इस प्रकार से खून की कमी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, और इसमें उचित समय पर, उचित अगर हम इसका निदान कर लें तो बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और बच्चे का बड़ा अच्छा संपूर्ण समग्र विकास हो सकता है। तो इसलिए इसके ऊपर बड़ा ही मंथन करना चाहिए, समाज के लोगों को एक मुहिम छेड़नी चाहिए कि जो भी बच्चे में खून की कमी है उसका समय पर सही उपचार हो। तो क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी भी अफेक्टेड होती है कि खून की कमी से, अगर बच्चों में खून की कमी होगी तो आने वाले समाज में भी खून की कमी होगी, उससे देश की हेल्थ, देश की एजुकेशन, देश की इकोनॉमी और देश की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसलिए पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि सभी खून की कमी वाले बच्चों को पहचाना जाए और उनका उचित इलाज करा के उनका समग्र विकास करवाया जाए। अब मैं खून की कमी के जो बच्चे हैं, एनीमिया के बच्चे, तो इनके लक्षण के बारे में बात करता हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे कि इन बच्चों में खून की कमी है। अक्सर अगर थोड़े खून की कमी होती है तो कोई लक्षण दिखाई नहीं देते बच्चे में, और बच्चे उसको सहन करते रहते हैं और किसी तरह से जीवन यापन करते रहते हैं। तो कम खून की कमी में, जैसे 12 ग्राम से ज़्यादा नॉर्मली होना चाहिए खून, तो 9, 10, 11 ग्राम तक तो पता भी नहीं लग पाता कि खून की कमी है। तो जैसे जैसे खून की कमी बढ़ती है, खून और कम होता है, तब देखने में लगता है कि रंग बच्चे का फीका फीका सा रंग है, बच्चे का रंग फीका सा हो जाता है, बच्चे का कैलिबर कम हो जाता है, स्टेमिना कम हो जाता है, बच्चा कोई भी काम पूर्णता से अच्छी तरह से नहीं कर पाता, वो बच्चे में थकान सी होने लगती है, फिर बच्चे की भूख खत्म हो जाती है, फिर बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती,
इस प्रकार के लक्षण है। फिर बच्चे का टेस्ट खराब हो जाता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता खाने में, और फिर धीरे धीरे करके बच्चे के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। कई बच्चों में जैसे बैठ के खड़े हुए अचानक, तो उठते ही फिर उनको चक्कर आ जाते हैं, वो गिरने सकते हैं, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं, ऐसा हो जाता है। कई बच्चों में जिगर बढ़ जाता है, साथ में लीवर, कई बार कई बच्चों में तिल्ली बढ़ जाती है, खून ज़्यादा बनाने की कोशिश करती है बॉडी लेकिन बना नहीं पाती, और उसमें ये अंदर के अंग बढ़ जाते हैं, तो बच्चों की हड्डियाँ काम नहीं कर पाती, जो बोन मैरो उसमें खून नहीं बन पाता। तो इस प्रकार से अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है लक्षणों का, तरह तरह के लक्षण किसी भी तरह से दिखाई दे सकते हैं। तो उनको सही खून की कमी के लक्षण कई बार दूसरी बीमारियों के लक्षणों से सुपर इम्पोज हो जाते हैं। जब बच्चे में 6-7 महीने का समय आया, 8 महीने का बच्चा हो गया, उसी समय उसके दांत भी आ रहे हैं, और उसी समय उसको सही उचित आहार भी देना शुरू नहीं किया माँ ने, खाली दूध ही दूध पीता रहा बच्चा, बॉटल का दूध लेता रहा, 7-8 महीने का बच्चा हो गया, माँ सोचती है कि बच्चे में दांत आ रहे हैं इसलिए बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, इसलिए बच्चा परेशान है, इसलिए इसे कुछ अच्छा लग रहा, लेकिन वो कई बार एनीमिया की वजह से ऐसा होता है क्योंकि उसकी वीनिंग प्रॉपरली स्टार्ट नहीं गई की गई समय पे। तो समय पे अन्न प्राशन शुरू कर दें, समय पर उसे उचित आहार देना शुरू कर दें, हरी सब्जियां, खिचड़ी, दलिया वगैरह पतली पतली मैश करके 6-7-8 महीने पर शुरू कर देंगे, तो उसमें फिर खून की कमी नहीं हो पाती। जिन बच्चों में मोनोटोनस डाइट चलती रहती है, बच्चे 2-2 साल के हो जाते हैं, खाली दूध पीते रहते हैं, बोतल से दूध पी रहा बच्चा 2 साल का हो गया, या खाली आलू ही आलू खा रहा है, या बच्चा खाली चावल ही चावल खा रहा है, इस प्रकार से अज्ञान की वजह से जब बच्चों की मोनोटोनस डाइट होती है, संतुलित भोजन नहीं मिलता, वो भी खून की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए खून की कमी अमीरों में भी होती है बहुत ज़्यादा, और गरीबों में भी। गरीबों को प्रॉपरली भोजन मिल नहीं पाता इसलिए होती है, और अमीर किसी एक चीज़ को सोचते हैं इससे ताकत बहुत आएगी, वही देते रहते हैं, उससे भी खून की कमी आती है। ये बहुत देखने को मिलता है कि जिनके पास सब कुछ है, घर में खाने पीने की कमी नहीं है, तब भी बच्चों में खून की कमी है, ये बड़ा ही कॉमन हो गया है। और ऊपर से बच्चे जंक फूड खाते हैं, तो जंक फूड से भी बड़ा सारे जो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स है वो उनका स्टोर पूरा बन नहीं पाता, और खून की कमी आती है। तो इस तरह से समाज की कई कुरीतियों की वजह से भी बच्चों को इसका दंड भुगतना पड़ता है, और खून की कमी की वजह से फिर दूसरे फर्दर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उससे बच्चे परेशान होते हैं। अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि खून की कमी है इस बच्चे में, अमुक इतनी कमी है और ये उसका कारण है, क्योंकि खून की कमी का अलग अलग कारण के लिए अलग अलग फिर हमें उपचार करना पड़ सकता है। तो खून की कमी के लिए एक तो खून का टेस्ट माना, हमें हीमोग्लोबिन टेस्ट माना कि भाई कितना खून है बच्चे के अंदर, फिर हमें उसके डिफरेंट पैरामीटर्स देखने हैं कि खून की कमी का क्या कारण है, उसका हमें आयरन भी चेक करना पड़ेगा, फिर एक कंप्लीट ब्लड काउंट करना पड़ेगा कि इसमें बच्चे में जो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कितना है, MCH कितना है, अगर खून की कमी है तो उसका MCH कम होगा, अगर आयरन की कमी है तो। इसी प्रकार से मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कितना है, RBC का साइज कितना बड़ा है, अगर खून की कमी है, अगर आयरन की कमी है तो सेल का साइज छोटा होगा, छोटी सी सेल होगी, उसमें आयरन भी थोड़ा होगा सेल। अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो उसमें अगर विटामिन B12 की या फोलिक एसिड की कमी है तो सेल का साइज बढ़ जाएगा और वैसे एनीमिक होगा बच्चा। इसी प्रकार से रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ देखनी है हमें, और फिर आयरन लेवल हमें टेस्ट करना है, रेटिकुलोसाइट काउंट देखना है कि रेटिकुलोसाइट कितनी बन रही है, प्लेटलेट काउंट देखना पड़ता है, टोटल बोन मैरो एप्लेजिया तो नहीं है, एक सेल लाइन उसकी कम बन रही है इससे, इस प्रकार से हमें टेस्ट करने पड़ते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हमें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करनी पड़ती है कि बच्चे को थैलेसीमिया तो नहीं है, बोन मैरो एग्जामिनेशन भी करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हम टेस्ट करते हैं, जरूरत पड़ने पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, बच्चे के लीवर की क्या हालत है, बच्चे के अंदर के अंगों का विकास कैसा चल रहा है, कोई दूसरी बीमारी तो नहीं छिपी हुई है, ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि किसी किसी बच्चे में किडनी काम नहीं कर रहे होते उससे भी एनीमिया होता है, लीवर में कोई क्रोनिकली कोई बीमारी चल रही हो तो उससे एनीमिया, तो इसलिए हमें संपूर्ण टेस्ट करके प्रॉपर डायग्नोसिस बनानी होती है। अब बात आती है उपचार की, ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है, तो ट्रीटमेंट में कारण के ऊपर डिपेंड करता है। जब बच्चे में किसी पोषक तत्वों का अभाव है तो उसी पोषक तत्व का सप्लीमेंट करना होता है, अगर आयरन डिफिशियंसी नहीं में है तो आयरन हमें उचित रूप से देना है, अगर काफ़ी सीवियर कमी है फिर तो हमें ड्रिप में डाल के आयरन के इंजेक्शन ड्रिप में डाल के लगाने होते हैं, विटामिन B12 की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है तो उनका सप्लीमेंटेशन करना होता है। इसी प्रकार से अगर और कोई कारण है, कई बार अगर खून काफ़ी कम होता है तो खून चढ़ाना भी होता है बच्चे को दाखिल करके, और पेरेंट्स का किसी का भी ब्लड टेस्ट करके अगर सेम जिसका भी ग्रुप मिलता है उसी का ग्रुप बच्चे को चढ़ाना भी होता है, ये भी आवश्यक हो जाता है कई बार। इसी के साथ साथ हम कारण भी ढूंढते हैं कि खून इतना कम क्यों है, और आगे वो सैंपल भेज के ब्लड चढ़ा देते हैं बच्चे को। बाकी
उसके अलावा एक तो हो गया पर्टिकुलरली हमने इमीडिएट ट्रीटमेंट कर दिया, दूसरा फिर अगर जिसमें बच्चे में खून की कमी है तो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आयरन, अगर आयरन की कमी है तो आयरन का ट्रीटमेंट हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना होता है। रेस्पॉन्स तो आने लगता है हमें एक हफ्ते के अंदर ही, अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे तो एक हफ्ते में बच्चे को भूख भी लगने लगती है, खाना खाने लगता है, बच्चा खुश हो जाता है, उसकी उसका इंटरेस्ट बनता है वातावरण में भी, खान पान में, हर चीज़ में उसका इंटरेस्ट बनता है, सबके साथ हंस के खुल के खेलने लगता है बच्चा, तो इसलिए रेस्पॉन्स तो एक हफ्ते में मिल जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट इसमें 4-5-6 महीने करना होता है अगर आयरन डिफिशियंसी नहीं में आए तो। लेकिन पेरेंट्स कई बार 1-2 महीने करके वो दवाई छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें, पूरा उसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें जिससे कि पूरा बच्चे में रेस्पॉन्स मिले और सभी अंगों का प्रॉपर उचित विकास हो। इसके साथ साथ हमें डाइटरी ट्रीटमेंट करना है और फिजिकल उसी ग्रोथ के लिए इंश्योर करना है कि उसके ऑर्गन्स का पक्का पूरा विकास हो। तो जहाँ तक डाइटरी ट्रीटमेंट की बात है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जब तक जहाँ तक न्यूट्रिशन एनीमिया की बात है तो डाइटरी ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो हमें वैरायटी ऑफ मील्स देने हैं बच्चे को, जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने से छोटे बच्चे हैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराई जाए, ब्रेस्ट फीडिंग से एनीमिया के चांसेस कम होते हैं। प्रीमेच्योर बेबी को अलग से सप्लीमेंट्स देने होते हैं जिससे कि उसमें खून की कमी ना हो, और जो बच्चे 6 महीने से बड़े बच्चे हैं उनकी वीनिंग स्टार्ट कराई जाए समय से, और फिर जो बड़े बच्चे हैं 1-1.5-2-3 साल के तो उनका खाना चौमुखी खाना हो, उसमें हरी सब्जियां, दलिया, दाल, खिचड़ी, रोटी ऐसा खाना हो। जो रोटी बनाए तो अगर उसके लिए आटा, अगर मिस्सा आटा यूज़ कर ले तो बड़ा अच्छा रहेगा, जिसमें कि गेहूं के अलावा चने भी हों, जौ हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मकई हो, और गुरजई, ओट जिसे कहते हैं जई, वो हो, उसके अलावा रागी हो, चुलाई हो, इस तरह का नवरत्न आटा हो, तो उससे बड़े सारे खनिज तत्व, पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मिलेंगे बच्चे को, भरपूर मात्रा में, और उसको उसका हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी होगी, अच्छी तरह के हर तरह की प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे, हर तरह के अमीनो एसिड मिल जाएंगे, तो उससे अच्छा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो सकती है। इसी प्रकार से नवरत्न दलिया भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि गेहूँ, मूंग, तिल, अजवाइन, चावल आदि डाल के ऐसे दलिया भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा सब्जियों में हरी सब्जियाँ अच्छी मात्रा में हो, लौकी, तोरी, पालक, मेथी, बथुआ, करेला, इस प्रकार से हरी सब्जियाँ अच्छी मात्रा में हो। फलों में लाल रंग के कलर के फल ज़्यादा स्पेशली अच्छी मात्रा में हो, चुकंदर है, बीट रूट हो गई जैसे चुकंदर है, शकरकंदी, वो भी हो, बाकी अनार है और टमाटर का भी उपयोग कर सकते हैं, और बाकी जो भी मौसम के फल हैं सभी मौसम के फल में उसका लाभ बच्चे को मिलेगा। मोनोटोनस डाइट ना हो बच्चे की, कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इसको तो अमरूद बड़े पसंद है, ये बच्चा अमरूद बड़ा खाता है, चलो अमरूद भी दे दे लेकिन साथ साथ में प्रोत्साहन दे उसे कि बेटा ये भी खाओ, ये भी खाओ, मौसम का फल, हर तरह के शहतूत का मौसम है तो थोड़े शहतूत भी दें, लीची का मौसम है थोड़ी लीची भी दें, हर तरह की चीज़ मिलनी चाहिए, किसी से जिंक मिलेगा बच्चे को, किसी से मैगनीज मिलेगा, किसी से मैग्नीशियम मिलेगा, किसी से आयरन, कैल्शियम, ऐसे सभी तरह के तत्व मिलने चाहिए बच्चे को। उसके अलावा थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं बच्चे को, लगभग एक एक दो दो ड्राई फ्रूट्स हर तरह के बच्चे को 1-2 घंटे के लिए भिगो के दे दें, उससे उसे भरपूर मात्रा में खनिज तत्व मिल सकते हैं। बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स जितने जरूरत है उतना दें, क्योंकि अगर ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स ओवर यूज़ करते हैं उस डेयरी प्रोडक्ट्स का तो कैल्शियम उसे ज़्यादा मिलता है बॉडी में और वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, तो इसलिए सीमित मात्रा में, संतुलित मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स का भी उपयोग करें। जहाँ विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, संतरा और नारंगी, आंवला, इस तरह की चीज़ें, वो तो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं और ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे तो वो आयरन को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होने देते, तो संतुलित मात्रा में चीज़ों का उपयोग करें। दालें, अच्छी मात्रा में दालें, मूंग की दाल है, जैसे जैसे बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, फिर उड़द की दाल है, मटर है, सोया प्रोटीन, सोयाबीन्स हैं, राजमा है, तो इस तरह की दालों का भी उपयोग करें। और भोजन अच्छा करने के साथ साथ ही उसके साथ ही बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखें। फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी फिर तो बच्चा भोजन को पचाएगा, उससे बड़ा लाभ उठा पाएगा। अगर फिजिकल एक्टिविटी है नहीं और हमने भोजन जबरदस्ती उसे ज़्यादा दे दिया, उसे फिर पथरी की शिकायत हो सकती है, उससे बच्चे का फिर उसको अच्छी तरह से अपटेक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी और अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये इन दोनों को अगर ध्यान रखेंगे तो हमें बड़ा ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेगा, अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा बच्चे का समय से। मैं कहना तो जो 2.5-3 साल से बड़ा बच्चा है उसे डेली सैर पे लेके जाएं, 3 साल से बड़ा बच्चा 3 किलोमीटर की वॉक कर सकता है, और फिर 1-2 महीने वॉक करा के फिर उसे जॉगिंग करना सिखाएं, साथ ही फिर उसे योगाभ्यास भी कराएं, आसन, प्राणायाम कराएं, सूर्य नमस्कार उसे कराएं बच्चे को, उसके अलावा कपालभाति प्राणायाम, ऐसे 2.5-3 साल से बड़ा बच्चा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम,
लेफ्ट नोस्टिल से सांस लेना, राइट से छोड़ना, फिर राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, इस प्रकार से ये अभ्यास कराएं। उसके अलावा बच्चे को मेडिटेशन भी सिखाएं। अगर बच्चा मेडिटेशन करेगा, 3 साल से बड़ा बच्चा आसानी से कर सकता है मेडिटेशन, पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे करते हैं, तो उससे उसकी बॉडी रिलैक्स रहेगी और पैरासिम्पैथेटिक फ्लो अच्छा रहेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम से और मेडिटेशन से पैरासिम्पैथेटिक फ्लो अच्छा होता है, जिससे कि ये एनाबोलिक काम करते हैं बॉडी के लिए। एनाबोलिज्म ज़्यादा होती है, रक्त का निर्माण ज़्यादा होता है, ब्लड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, सिंथेसिस वाले सारे काम अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार से इन प्राणायाम की भी हेल्प लें बच्चे के लिए। मेरी डॉक्टर जयदीप बारा से बात होती रहती है पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब गेहूं के ज्वारे का रस का बड़ा ही अच्छा इफेक्ट आता है एनीमिक बच्चों में। तो गेहूं के ज्वारे का रस जो बच्चे ले सकते हैं, जैसे गेहूं के बीज बो दिए हमने, तो कुछ दिनों में 10 दिन में 15 दिन में लगभग 7-8 इंच के कुछ 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 हफ्तों में 7-8 इंच के उनके पौधे उग जाएंगे। तो वो पौधे जो है काट के देंगे बच्चे को उसका जूस निकाल के, तो बड़ा ही लाभदायक रहता है। और स्वामी रामदेव जी ने और आचार्य बालकृष्ण जी ने विज्ञान की कसौटी पर योग पुस्तक में इसके बारे में रेफरेंसेस दिए हैं कि कितने बच्चों का इससे खून HB बढ़ गया, तो उसका भी लाभ उठाएं। क्योंकि हर्ब्स का अगर लाभ उठा के, हर्ब्स की हेल्प लेके अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है तो जरूर उसकी का लाभ लेना चाहिए। इसी प्रकार से आंवले का उपयोग करने से भी फायदा होता है, गिलोय का रस देने से भी फायदा होता है, उससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। बाकी जैसे पिंड खजूर है वो भी दे सकते हैं बच्चे को, ड्राई फ्रूट्स, मुनक्का, अंजीर आदि, वो भी उसका भी फायदा ले सकते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनमें खून की कमी हो तो ये देखा गया वो सांस रोक लेते हैं, रोते रोते सांस भूल जाते हैं और उससे पूरा परिवार घबरा जाता है, डर जाता है और ये सोचते हैं दौरे की शिकायत है बच्चे को। इस प्रकार से और जो बड़े बच्चे हैं उनकी कंसंट्रेशन पुअर हो जाती है, उनका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता खून की कमी की वजह से। तो ऐसी इस तरह की नौबत नहीं आएगी अगर हम बच्चे का चहुमुखी ध्यान रखें। होलिस्टिक अप्रोच हमारा रहना चाहिए कि किसी भी तरह से बच्चे में खून की कमी ना हो, हमारे हर एंगल से उसका ध्यान रखें। अगर बच्चे में कीड़े की दिक्कत के लक्षण लगते हैं तो डॉक्टर को दिखा के कीड़े की दवाई भी दिलवाएं और उसका समग्र विकास करवाएं। और माता पिता खुद बच्चों के साथ खेलने जाएं, खुद समय दें, उन्हें क्वालिटी टाइम दें, पढ़ाने लिखाने में भी हेल्प कराएं, खेलने कूदने भी खुद जाएं उनके साथ में, और खाना भी साथ में बैठ के इंटरेस्ट के साथ खाएं। मैं तो चाहता हूं कि हर बार के खाने में 2 तरह की सब्जियां हो, 2 तरह की दालें हो, थोड़ी धनिया की चटनी हो, थोड़ा सा चूरमा बना दिया, ऐसे रंग बिरंगा सा खाना बना के दें जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट बने और वो पेट भर के खाना खाए और फिर मोरल उसका हाई रहे। जितना मोरल हाई रहेगा बच्चे का तो उतना ही उसमें खून बनेगा, फिर यूजली खून की कमी नहीं होती। बाकी जो कोई कारण है उसका समाधान भी करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में बच्चे को समय अच्छा दें, उसे लाभ मिलेगा। बाकी इस वीडियो को आप शेयर भी करें आगे, सब्सक्राइब भी करें चैनल जगदम्बा बेबी केयर, और बेल का बटन भी दबाएं जिससे कि हेल्थ रिलेटेड जो डिफरेंट वीडियोस हैं आपको समय से मिलते रहे। और मेरा फेसबुक पे भी पेज है जगदम्बा बेबी केयर सेंटर, तो उसको भी फॉलो करें। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, और टेलीफोन नंबर दिया डिस्क्रिप्शन में, मेरे से बात करें। थैंक यू।